चलो चलते हैं नागपुर टू कनाडा, और आप सब भी मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ चल रहे हो, और वहां जाके एकदम फाड़ू माहौल करेंगे और अपन देखेंगे पूरा कनाडा। पूरा तो नहीं, लेकिन जहां मैं जा रही हूँ एडमिंटन, अल्बर्टा स्टेट का एडमिंटन, वहां पे अपन जा रहे हैं, और वहां का पूरा कैसा नज़ारा है, क्या है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हो गए ना सब रेडी? चलो लेट्स गो। मजे में हो, खुश हो? तो आज मैं आपको अपने नागपुर में नहीं घुमाने वाली हूँ, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ कनाडा। कनाडा के अल्बर्टा स्टेट में एडमिंटन प्लेस है, वहाँ पे अपन जाने वाले हैं। तो ये जगह वहाँ की है, ये क्लिप्स मैंने पिछले साल मैं वहाँ गई थी तो लेके रखी थी, तो अभी इसीलिए मैं सोची चलो आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करूँ। तो अभी अपने को बैग भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही घर में बैठे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही अपने को कनाडा जाना है। तो जहाँ अपनी सोनी रहती है, निखिल रहता है, तो अपन वहाँ जा रहे हैं। और ये देखो, ये वहाँ का है लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है, वहाँ का पार्क है ये। तो एडमिंटन में जो डाउनटाउन एरिया है वहाँ ये पार्क बना है। ऐसे पार्क तो वहाँ पर बहुत बने रहते हैं। ये हमारी सोनी आपको हाई कर रही है, और ये जो पीछे है ये हमारे दामाद जी है निखिल, और हमारा वो छोटा सा बेबी और इलिया, उसको भी हम लेके आए हैं। और ये देखो खिस्ती साहब अपने मोबाइल में अपनी सेल्फी की तैयारी कर रहे हैं, लाल हुडी पे, या क्या सही लग रहे हैं, और खुद की सेल्फी निकाल रहे हैं। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं और ये देखो पीछे अपनी सेल्फी में बिजी है। तो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ जो इतना सुंदर है ने, बहुत ही सुंदर वहाँ के पार्क है, जैसे अपन पोस्टर में देखते हैं ना, सेम बिल्कुल पोस्टर के जैसा ही। और अभी हाँ ऑटम का सीज़न है, तो पूरी ये जो पेड़ है ना, उनके पूरे पत्तियाँ जो है ऐसी पूरी येलोइश ब्राउनिश, ऐसे ऑरेंज इस कलर के। ये देखो ये, और ये हमारा निखिल आपको हाई कर रहा है। और ये जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल, बिल्डिंग में तो ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है शायद वहाँ के। और पार्क बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ा पार्क है। वैसे छोटे छोटे पार्क तो हर जगह पे है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो हम लोगों को भी निखिल लेके आया है, आज सैटरडे है तो सोचा उसने कि चलो इन लोगों को भी, और बेबी भी अभी थोड़ा सोया था और सैटरडे था, तो बोले चलो बेबी सोया है तो एक दो घंटे वहाँ अपन बेबी को प्रैम में डाल के उसमें लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये देखो ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं और मैं वीडियो ले रही हूँ। ये वीडियो जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना, तभी लिया है। तो अभी इतना इन्हें, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन जिस टाइप का भी मुझे बनाना आया या बताना आया तो उस टाइप का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ के गार्डन में ना, जब ये लोग घूमने आते हैं, ये जो गोरे लोग, तो उनके पेट को लेके आते हैं डॉगी को, तो वो डॉगी अगर पॉटी किया ना तो उनको खुद ही वो तुरंत के तुरंत उठाना पड़ता है और कचरे के डब्बे में डालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पत्ती में उसके ऊपर पत्ती डाल दो और ढाक लो, या कोई आया तो फिर उसका पैर गंदा हो जाए वगैरह, तो ये ऐसा नहीं। वहाँ बहुत ही प्रिकॉशन लिया जाता है। और वहाँ जब ऐसे यानी गार्डन अपन घूम लिए, पार्क घूम लिए, तो उसके बाद वहाँ अगर किसी को टॉयलेट वगैरह भी जाना है तो मैं दिखाती हूँ, तो ऐसे प्लास्टिक के टॉयलेट्स उन्होंने ऐसे बना के रखे हैं कि यूज़ करो, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके झाड़ियों में बैठ जाओ या कर लो। तो ये वहाँ, ये देखो ये जो है ना, पूरा पार्क ख़त्म होने के बाद ही ऐसे साइड में उन्होंने वहाँ पे ऐसे टॉयलेट्स लगा के रखे हैं। तो जो भी आए तो इन्हें वो जो पार्क की जो सुंदरता है वो कायम रहती है। और ये देखो हमारी सोनी अभी ये जल्दी जल्दी चल के इधर गाड़ी के पास आ गई। तो अभी यहाँ जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं उसके एकदम बाजू में ही, ये देखो ये है ये टॉयलेट्स।
ये पूरे टॉयलेट्स लगे, उसमें पानी वानी सब रहता है। और ये वहाँ का आकाश तो इतना सुंदर नीला नीला दिखता है, पता नहीं उधर का आकाश बहुत ही सुंदर दिखता है, अपना यहाँ से बहुत दूर है आकाश, शायद वहाँ से आकाश नजदीक भी लगता है। तो ये है वो अपना लेजिस्लेटिव बिल्डिंग पार्क, वहाँ अगर आप कभी कनाडा गए तो ज़रूर जाइए। और आगे भी दिखाती हूँ मैं और आपको कनाडा का। निखिल को छुट्टी है तो निखिल हमें घुमाने लेके आया है। ये एले पार्क है और बहुत सुंदर सीनरी है देखिए। और अभी यहाँ फॉल ऑटम का सीजन है तो पूरी पत्तियाँ यहाँ झाड़ के नीचे गिरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फोटो तो इतने सुंदर आ रहे हैं बहुत ही। और ठंडी तो इतनी है, बहुत ठंड है लेकिन अच्छे धूप भी है, धूप की वजह से इतनी ठंडी नहीं लग रही है। हम जब घर से हाय और ये निखिल है, निखिल की न्यू हेयर स्टाइल देखा बहुत ही सुंदर लग रही है। हमारे छोटे बाबा को भी लेके आए हैं लेकिन अभी वो ठंडी की वजह से हमने उसको गाड़ी में रखे हैं, वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देती कुछ नहीं, बहुत ही स्वीट बच्ची है। देखिए ये नज़ारा देखिए बहुत ही है, ये शायद पुराना है और अभी यहाँ नया उन्होंने बनाया है वो दूसरे साइड में। यहाँ की सीनरी देखिए, झाड़ ये येलो बहुत ही सुंदर है। और ये लोग मस्ती कर रहे हैं देखो, ये सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये लाल होली स्कूल का पहन के बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और बताइए आपका दिन कैसे रहा? हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, घर से अच्छे से नाश्ता करके आए हैं। रीवा ने अच्छी मैगी बनाई थी, बहुत ही यम्मी थी। सब मैगी वैगी खा के हम लोग यहाँ घूमने निकले हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है नज़ारा। ये देखो यहाँ सब गवर्नमेंट के ऑफिसेस है शायद, मुझे तो इतना पता नहीं है लेकिन निखिल बता रहा था। ये कुछ लोग फोटो शूट करने आए हैं। अब ये ग्रीन कपड़े पहन के आए थे, इसके पहले इन्होंने व्हाइट कपड़े पहन के बहुत ही सुंदर। स्टैचू है यहाँ, अब मुझे तो पता नहीं किसका स्टैचू है लेकिन है बहुत सुंदर दिख रहा है, निखिल पट्टियों के साथ बहुत ही अच्छा स्टैचू है। और ये हमारी बच्ची है, ये कनाडा में रहती है, यहाँ एडमिंटन अल्बर्टा स्टेट में। पूरा आसमान नीला नीला लग रहा है और ये झाड़ की पत्तियाँ तो इतनी सुंदर येलो कलर की, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और बीच बीच में क्रिसमस ट्री है, ये देखिए ये पार्क बहुत ही सुंदर है बहुत ही। ये देखिए ये इन लोगों का फोटो सेशन चालू है, ये देखो दिख रहा है। अब ये हमारे घर के लोग भी फोटो निकाल रहे हैं, ये देखो डैडी सबका फोटो निकल रहा है, निखिल कुछ पोज ले रहा है। गाना यहाँ के लिए भी बहुत ही सूट करता है, इतना सुंदर एडमिंटन है, बहुत ही सुंदर। यहाँ जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे सुंदर घूमने के लिए ऐसे छोटे छोटे पार्क बनाए हैं, जैसे इंडिया में नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है।
देखिए कुछ लोग आ भी रहे हैं और सैटरडे एंजॉय करने के लिए ये कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये साइकिलिंग कर रहे हैं, ये फोटो बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड बिल्डिंग तो ये है हमारी पिछले साल की कुछ स्वीट सी यादें। अलका आइलैंड गए थे, वहाँ के कुछ पिक्स है मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पिकनिक के लिए हम लोग गए थे और वहाँ हमारे निखिल का एक ट्विन्स ब्रदर भी वहाँ रहता है अखिल, तो उसके भी मैं फोटो थोड़े से शेयर कर रही हूँ। ये अखिल और ममता ये दोनों भी वहाँ मॉन्ट्रियल में रहते हैं और इनका प्यारा सा छोटा सा कियान बाबा, और ये हमारी प्रतिमा मैडम, और ये अविनाश डैड पर जो वहाँ अभी है मॉन्ट्रियल में है, तो उनकी भी थोड़ी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लाइक ठोक देना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो टेक केयर, ओके, बाय बाय, लव यू।